हाँ दोस्तों नमस्कार। आज जो है हम प्लॉटर मशीन के कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो प्लॉटर मशीन यूज करते हैं। तो चलिए हम कुछ सेटिंग्स के बारे में आज जो है बात करने वाले हैं और ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों काफ़ी कॉल्स व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं कि भैया हमारा मशीन जो है काम नहीं कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद भी स्टिकर जो है कटिंग नहीं होता है, तो कुछ सेटिंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए हम उसी सेटिंग्स के बारे में आपको बात करने वाले हैं, जो सेटिंग्स बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे ले चलेंगे और फ्लेक्साइन 8 प्रो जो सॉफ्टवेयर है उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, हम उस पर एक जरूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी सबसे पहले अपने डेस्कटॉप को ऑन करेंगे। डेस्कटॉप मेरा ऑन है और आप लोग भी अपना डेस्कटॉप को ऑन कर लीजिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना फ्लेक्साइन प्रो जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे। अभी ओपन हो रहा है, हाँ ओपन हो गया और अभी अपने सिस्टम में ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो है कुछ हम यहाँ पे लेटर टाइप करेंगे, जैसे अपना नाम ही टाइप कर लेते हैं PAPPU। टैप हो गया। टैप होने के बाद कंट्रोल प्लस L को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एल को प्रेस करेंगे। करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, इसको हम सीधे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे सीधे जाना है ऐड सेटअप में। तो ऐड सेटअप देखिए कहाँ पे है, वहाँ जो आपको सेटअप दिख रहा है, देखिए हमारे माउस को बटन को देखिए और ऐड सेटअप में आने के बाद सीधे डायरेक्ट हम लोग को विनाइल कटर पे सिलेक्ट करना है। तो विनाइल कटर हमारे सिस्टम में जो है सब चीज़ सिलेक्ट है, बस आप अपने सिस्टम में देखना है सेटिंग सही करना है। तो चलिए हम यहाँ पे विनाइल कटर सिलेक्ट करने के बाद जो है रोलेंड पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए रोलेंड लिखा हुआ है और नीचे प्रेस करके आते हैं नीचे हाँ। तो इस पे रोलेंड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हम लोग का उधर कुछ कोड आएंगे, मॉडल नंबर एंड नेम आएंगे, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे CM12। चलिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिर एक बार नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम लोग को ध्यान देना है कि हम पोर्ट यूज कर रहे हैं, तो पोर्ट जो है हमारा COM1 पे काम करता है, तो COM1 सिलेक्ट करेंगे। अगर USB सिलेक्ट कर रहे हैं तो USB का अलग कोड आता है। तो चलिए यहाँ पर हम COM1 सिलेक्ट करने के बाद फिनिश करेंगे। जब फिनिश हो चुका है, फिनिश करने के बाद जो है अब ये मेरा मशीन जो है कटिंग के लिए रेडी हो चुका है। अब जो है स्टिकर कटिंग हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आते रहते हैं और कॉल्स भी आते रहते हैं कि भैया स्टिकर जो है मेरा कटिंग नहीं हो पा रहा सब चीज़ सेटिंग होने के बावजूद भी। तो चलिए ये जो है अब रेडी हो चुका है। तो चलिए हम जो है अभी कटिंग करके आप लोग को दिखाते हैं। तो इसको जो है हम सीधा हम ले चलते हैं अपने प्लॉटर मशीन पे। तो देखिए ये जो है कटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं और बाकी आपको समझ में आ चुका होगा और कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो इस सॉफ्टवेयर पे तो हम उसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। तो चलिए हम आ गए अपने मशीन पे और देखिए ये जो है कटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, जो यहाँ से हम लोग सेंड कर दिए हैं। तो देखिए ये कटिंग करेगा अभी। तो देखिए ये कटिंग कर रहा है, तो ये कटिंग कर दिया। तो काफ़ी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ का अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इस सॉफ्टवेयर पे तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर आपको एक वीडियो बना दूँ। धन्यवाद दोस्तों।